मैं आपकी बहू तो नहीं हूं ना, बेटी हूं ना। ओ हाँ, ये तो सही है, लेकिन फिर भी भाई नहीं, ये नहीं हो सकता कि तुम अभी बावर्ची खाने में घुस जाओ। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि नाश्ते में कौन क्या खाता है। भाई इस घर में तो हर एक की अपनी थाली है। अमन जी, आपको लगता है कि इतने दिनों से मैं आप सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही हूं, तो मुझे नहीं पता लगा होगा कि कौन क्या खाता है नाश्ते में। कोमल और नुसरत चचा को चाहिए होता है पराठे के साथ तला हुआ अंडा। आपको है ब्लड प्रेशर और आप तली हुई चीजें नहीं खा सकती, तो इसलिए आपको चाहिए होती है सादी रोटी के साथ दही। और रिजवाना चाची को अचार और पराठे के साथ रात का सालन, जो कि मैंने गर्म कर दिया है, और भोला उनके लिए आलू की भुजिया और सूजी का हलवा। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या कहने हैं हमारी बहू की, तो सलीका मधुनी के साथ अकलमंद थी बहुत। हाँ चलो मैं डाल के लाती हूँ। क्या हो गया, चुप क्यों साथ ली तुमने, कुछ पूछा है तुमसे, बोलो जवाब दो। ये कैसा सवाल है? मियाँ बीवी हैं वो, ऐसा कौन सा बेतुका सा सवाल पूछ लिया मैंने तुमसे। कहे कि मियाँ बीवी, भोले को होश नहीं इन बातों का। उससे तो बस बातें करा लो, यहां की वहां की, फजूल बक बक। मेरा मतलब है कि आप उन दोनों की शादी को बस एक गुड्डी गुड्डी के ब्याह का खेल समझे, बस। अच्छा तुम्हें यकीन है इस बात? कोमल के अब्बा, आपने पहले तो कभी खानदान की औरतों के बारे में ऐसी टोनी ली कि कौन क्या। हॉल वाला कुत्ता, क्या हो गया तुम्हें, मैं क्यों पूछने लगा ऐसी खराब बात। बस ऐसे ही एक ख्याल मेरे जहन में आ गया था, आप तो अपनी आदत से मजबूर हैं, लिहाजा आप बाल की खाल जरूर खींचेंगी, सो खींचिए।